खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है, जहां पर एक युवक को वेंडर का नाम पर 40,000 की ठगी की गई। बता दें कि पीड़ित समीर की मुलाकात ट्रेन में जुनेद सागर नाम के युवक से हुई थी। जुनेद ने समीर को ट्रेन में वेंडर बनने और मोबाइल एसेसरीज बेचने का लालच दिया, जिसके लिए 40,000 की मांग की और युवक समीर ने उसे ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए। लेकिन उसके बाद न तो जुनेद सागर मिला और ना ही उसने कभी फोन उठाया। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित युवक कलेक्टर के पास पहुंचा और कार्रवाई की मांग की। यहाँ पे एक जुनेद सागर नाम का लड़का रहता है लालबाग में, जो 2019 में बॉम्बे आया था रेलवे कैंटीन का ऑफर लेके। वो मेरे पहचान वाले किसी के थ्रू आया था, जो मेरे पास बंदा काम करता है शॉप पे, उसके थ्रू आया था। तो वो उसने मुझे ऑफर दिया था कि ऐसे ऐसे रेलवे कैंटीन का ये है कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसमें पैसे लगा लीजिए 4,00,000 रुपये, इसमें जो भी आएगा वो मुनाफा आधा आधा रहेगा। तो मैंने उस बंदे पर भरोसा करके मैंने उसको पैसे लगा दिए उसके पीछे। अब वो पैसे ले जाने के बाद वो बंदे ने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया, ना कुछ मतलब रिप्लाई देना भी उसने बंद कर दिया, कुछ भी नहीं। मतलब ये 2019 का मामला है, जब से लेके मैं अब तक 3 से 4 बार बुरहानपुर आ चुका हूँ, बट वो उसका बोलना यही है कि बाद मेरे पास पैसे नहीं है। और जब मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये मुझे अब ज़रूरत है काफ़ी, बोलता भाई मेरे पास नहीं है, तो जो करना है कर, मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी।